आपकी हुई है दोस्तों आज हम आपको कुछ नई चीजें सिखाने जाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बहुत पसंद आएगी और केवल पसंद नहीं आनी चाहिए आपको ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है और उसे एग्ज़ाम में करके भी आना बहुत ज़रूरी है चलिए तो समझते हैं आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसे मल्टीप्लाई जिसको आप मतलब पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं और आप समय ज़्यादा लगाते हैं तो इसको करने की किसी कैसी टेक्निक लगाते हैं आप और आपको एग्ज़ाम में क्या लगाना वो सारी चीज़ें यहाँ पर सीख लीजिए ठीक है वन वन मतलब आपको जो चीज़ें बताई जा रही है इसका अगर हमने आपको मल्टीप्लाई करने को दे दिया सेवन एट सिक्स टू

सेवन दे दिया गया ये सारे नंबर्स सा आपके सामने दे दिए गए अब तक जो आपकी कला होती थी आप जिस तरह से करते थे वो आपको दिखा देगी क्या यदि आप ऐसा करते थे तो आपसे आप ऐसा मत करिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं आप इस पर गौर करिएगा मान लीजिए कि नाइनटीन नाइन नाइन और भी दे देते दे दे हैं नंबर और बड़ा नंबर दे देते दे हैं और दे देते दे हैं फाइव सेवन थ्री सिक्स इस तरह का कोई नंबर देते फाइव सेवन थ्री सिक्स अब अगर हम आपको इसका मल्टीप्लाई करने को कहते तो अभी तक शायद आपने यह सीखा होगा कि इसे क्या लिखा जा सकता है तो आप इसे लिखते होंगे दस हजार माइनस एक और फिर इन टू करते होंगे फाइव सेवन थ्री सिक्स का जिस प्रकार से आपका उत्तर आता होगा फाइव सेवन थ्री सिक्स फोर टाइम जीरो माइनस कर देते होंगे आप कितने का फाइव सेवन थ्री सिक्स का तो इस तरह से आपका उत्तर आता होगा फोर नाइन uh, hmm. में से थ्री गया सिक्स नाइन में से सेवन गया टू नाइन में से फाइव गया फोर और फाइव थ्री सेवन फाइव ये आपका आंसर आता होगा लेकिन याद रखिए कि इस तरह से आपके जो दो सेकेंड तीन सेकेंड एग्जाम में वेस्ट जा रहे हैं आप उसको समय को बचत कर पाएंगे और कुछ अच्छा प्रदर्शन दे पाएंगे तो यहां पर देखिए करना क्या होता है आपको ड्यूरिंग एग्जाम आपने ये चार बार नौ लिखा और फाइव सेवन थ्री सिक्स लिखा आप इसे किस तरह से करेगा कुछ भी नहीं करना है बस छोटा सा ध्यान रखिए कि ये जो भी नंबर आपको दिया है उसे एक कम कर दीजिए ये जो भी नंबर आपको दिया हुआ है इससे एक कम कर दीजिए फाइव सेवन थ्री सिक्स दिया हुआ है आप लिखिए फाइव सेवन थ्री फाइव मात्र एक कम कर दीजिए जो भी नंबर आपको दिया था इसे एक कम कर दिया आपने ये आ गया अब इसमें क्या करें सभी को नाइन से माइनस कर दीजिए नौ में से पांच गया चार नौ में से सात गया दो नौ में से तीन गया छह नौ में से पांच गया चार ये आपका आंसर देख लीजिए क्या दोनों ही सेटिस्फाई हो रहा है दोनों ही चीजें सेम आ रही है क्या आंसर सेम है बिल्कुल बिल्कुल ही सही आएगा आप डोंट वरी रहे बिल्कुल चिंता ना करें कि आपका इससे उत्तर गलत आने वाला है बस सर कुछ कंडीशन हम आपको बता रहे हैं वो आपको याद रखनी है अभी जैसे वो इसमें क्या कंडीशन याद रखनी है वो समझ लो कि जो नाइन डिजिट है ना नाइन नाइन जो आपने लिखा है जब नाइन नाइन का मल्टीप्लाई होगा तभी ये टेक्निक फॉलो होगी तो जो नाइन नाइन आपने लिखा है ये नाइन 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 जो डिजिट है या तो वो क्या होने चाहिए नाइन डिजिट या तो बराबर होने चाहिए नाइन डिजिट ज्यादा हो तो भी ये बात चलेगी ठीक है बराबर हो ज्यादा हो तो भी बात चलेगी बराबर लिख लीजिए बराबर तो भी ये बात चलेगी ज्यादा है तो भी बात चलेगी लेकिन नाइन डिजिट अगर कम है और आप ये टेक्निक फॉलो करेंगे तो वहां पर फॉलो नहीं होगी अगर जहां कम है नाइन के डिजिट तो टेक्निक फॉलो नहीं होगी तो फिर जो आप करते आ रहे थे यही चीज करिएगा लेकिन जहां पर बराबर और ज्यादा हो तो वहां पर ये टेक्निक लगा सकते हैं और आप याद रखिए कि एग्जाम में आपको या तो बराबर ही दिया जाता है या तो ज्यादा दिया जाता है कम बहुत ही कम दिए जाते हैं ठीक है तो अभी आते हैं इस आंसर को हम सेकेंडो में कैसे बता पाएंगे अभी हमने आपको सिखाया जो भी नंबर दिया हुआ है इसमें से एक माइनस कर दीजिए तो आप इस पूरे नंबर में से एक माइनस करेंगे कितना है? क्योंकि पहले ध्यान दीजिएगा एक दो तीन चार पांच पांच अंक है नौ के भी एक दो तीन चार पांच ये भी पांच अंकों की संख्या है तो आपको कुछ भी नहीं करना है केवल एक माइनस कर देना है वन थ्री सेवन एट फाइव में से वन माइनस किया कितना हुआ फाइव फिर इसके बाद कुछ भी नहीं करना है सभी को नौ से माइनस करना है तो एक में से नौ घटाऊंगा तो आठ बचेगा इसको घटाऊंगा छह बटेगा सो दो और फिर एक और फिर चार ये आपका राइट आंसर इसी तरह से सारी चीजें आप सेकेंडों में दे सकते हैं देखा तीन अंक है ये भी तीन अंक है फटाक से देखिए थ्री टू फाइव थ्री नाइन में से क्या सिक्स सेवन फोर ये आंसर आ गया इसका आंसर देखें थर्टी एट लिखा हुआ है थर्टी एट दो अंक है दो अंक है बढ़िया लग जाएगी टेक्निक थर्टी सेवन और सिक्स uh, और टू ये आपका आंसर हो गया ये देखिए ये थ्री डिजिट ये भी थ्री डिजिट है आप कैसे करें सर आपने कहा था कि नाइन डिजिट बराबर है तो चलेगा ज्यादा है तो चलेगा कम है तो नहीं चल पाएगा ठीक है तो बराबर का तो हमने सीख लिया ये भी बराबर वाला है ये भी बराबर वाला ये सारी चीजें आपसे बन गए अब यहां पर तो नाइन ज्यादा है और ये तो दो ही अंक है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको भी देखिए किस तरह से आप सॉल्व करेंगे ये भले ही दो अंक है तो क्या आप इसे तीन अंक बना पाएंगे जी बिल्कुल बना पाएंगे क्या करेंगे कि बन जाए तो क्या जीरो आगे लगा दें या पीछे लगा दें तो आपने कहा सर अगर पीछे लगाएंगे तो थ्री सेवेंटी हो जाएगा जबकि आगे लगाएंगे तो वो थ्री थर्टी सेवन ही रहेगा तो इसीलिए इस पर गौर करते हैं अब इसको भी आपने तीन अंक बना दिया इसको भी आपने तीन अंक बना दिया और वही टेक्निक लगाइए कौन सी टेक्निक लगाइए अंतिम से एक अंक माइनस कर दीजिए तो आपने इसको माइनस किया तो ये हो गया ज़ीरो थ्री सिक्स फिर उसके बाद सभी को नाइन से माइनस करते गए नाइन सिक्स और थ्री आपका राइट एग्जांपल कि क्या कैसा है गा? तो यहां पर फोर टाइम्स नाइन है और जो संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो ज़्यादा है जबकि नाइन ज़्यादा है तो चलेगा नाइन बराबर है तो चलेगा नाइन कम है तो बिल्कुल नहीं चलेगा ये पांच अंकों की संख्या और ये चार अंकों की संख्या इसीलिए बात नहीं चल पाएगी फिर आपको मजबूरन वही चीज़ें करनी पड़ेगी कौन सी वन जो आपने टेन थाउजेंड माइनस वाला कॉन्सेप्ट सीखा होगा ठीक है वही चीजें आपको इस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी वरना अगर बराबर है और ज्यादा है तो वो चीजें आपकी एप, एप्लाई हो जाएगी 1, 3, 7, 2, 5, 4, 10, 0, और फिर माइनस कर दीजिए और लिख दीजिए कितना फाइव टू सेवन थ्री वन माइनस करने पर आपने यहां पाया पांच यहां सात यहां दो यहां छः यहां चार यहां पर एक और फिर सात तीन और एक इस तरह से आपका आंसर ये हो गया लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस आप सीख चुके हैं आप चुटकियों में कर पाएंगे बस विशेषकर ध्यान ये रखिएगा कि अगर नाइन के डिजिट कम है अगर ये चार अंकों की संख्या है और इसे पांच अंकों की संख्या या किसी भी ज्यादा संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आपकी यही टेक्निक लगाइएगा लेकिन बराबर है या ज्यादा है तो आप हमेशा वही करेंगे तो लास्ट में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम ये वाला ठीक है कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसे मिटा देते हैं और देखते हैं ये वाला क्वेश्चन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये कितना भी बड़ा नंबर देते इस तरह का तो आपसे सब बनेगा तो हमने कितना देखा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो दस अंकों का कोई और नंबर ले लीजिए बराबर ले लीजिए कम ले लीजिए ले लेकिन वो जो अंक लेंगे वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो आपकी ये चीज़ें अप्लाई हो जाएगी तो हमने ले लिया कितना ये टेन डिजिट का था तो यहाँ पर भी टेन डिजिट का थ्री सेवन सिक्स फोर टू एट नाइन सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट

नौ में से सात गया दो नौ में से छः गया तीन नौ में से चार गया पांच नौ में से दो गया सात नौ में से आठ गया एक नौ में से नौ माइनस हुआ जीरो नौ में से सात माइनस हुआ दो नौ में से नौ माइनस हुआ जीरो नौ में से आठ माइनस हुआ वन ये आपका राइट आंसर तो आई होप कि आप ये सारी चीजें समझ पाए होंगे अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई तो, तो इस प्रकार से ये ये सारे अंतर हो गए ठीक है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चलिए जय हिंद दोस्तों